राघव, हेलो राघव, तुम ठीक? हेलो राघव, वेक अप राघव, हेलो राघव, वेक अप, हेलो। बेहोश की हालत में उठ कर रहा है, ही कैन चोक हिमसेल्फ, उसकी जान को खतरा हो सकता है। हेलो राघव, मैं अभी आई, जस्ट वेट। राघव उठो, राघव राघव उठो, वेक अप राघव। सॉरी राधा जी। राघव वेक अप, मेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। जो भी मुझ पर भरोसा करता है उन सब का भरोसा तोड़ देता हूँ। राघव For nothing. सब चीज के लिए अपने अपने आप को दोषी मत मानो, वेक अप। कौन है? चलो। सीधे खड़े रहो, छोड़ो मुझे। इतनी सर्दी में खड़े रहो, इतना ठंडा पानी, पागल होगी होने ना, आई आउट ऑफ योर माइंड, मार डालोगी क्या मुझे? मजाक ना, तुमने अपना खुद का बनाया। आई होप अब तुम इस ठंडे पानी से सीधे हो जाओ। पड़े रहो यहाँ, मैं जा रहा हूँ। स्टैंड हियर। Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Mehra Mansion. प्यार, एक ऐसा एहसास जो आपकी और हमारी जिंदगी को सार्थक बनाता है, एक ऐसा एहसास जो हमें जीने लायक बनाता है, एक ऐसा जुनून जो हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हम जिंदा हैं। इसी एहसास को आपके सामने लेकर आ रहे हैं द कपल ऑफ द मोमेंट, वीर एंड संजना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर दिस ब्यूटीफुल कपल। जैसे गर्म दिमाग की लड़की के लिए ये बर्फीला पानी एकदम परफेक्ट है। जो बस हुआ नहीं है हमारा, होने वाला है। अभी भी दो दिन के लिए मैं तुम्हारी बीवी हूं, और जो भी मैं कहूंगी तुम्हें मानना होगा। सो बिहेव योरसेल्फ। व्हाट अ परफॉर्मेंस दैट वाज, लेडीज एंड जेंटलमैन, अनदर राउंड ऑफ अप्लॉज। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इमोशन है,
और इसे एक लफ्ज में समझाना नामुमकिन है। Excuse me, Naina ji. जी. I'm Rajesh, the videographer. शायद आपने ही कॉल किया था. जी. Thank you so much कि आप इतनी short notice पे आ गए. आते कैसे नहीं? लाला जी के घर का function है और मैं नहीं आऊँ, ये हो ही नहीं सकता. But ये थोड़ा odd लग रहा है कि आज इतने सालों के बाद मुझे इस घर में आने का मौका मिला है. यहाँ मैं उसी दिन आया हूँ जिस दिन ऐसा हादसा हुआ. मतलब? मतलब ये कि जिस दिन लाला जी का एक्सीडेंट हुआ था इस घर में, मैं भी वहीं मौजूद था. आप यहाँ मौजूद थे? जी, मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन जिस दिन राघव भैया का बर्थडे था. लाला जी ने मुझे फोन किया था कि एक आपको वीडियो बनाना है, ऐसा वीडियो जहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स राघव भैया को विश करते हो, और उसी वीडियो को लाला जी राघव भैया को एज अ बर्थडे गिफ्ट देने वाले थे. मगर ये होने से पहले ही ये दर्दनाक हादसा हो गया लाला जी के साथ, और इट वॉज शॉकिंग फॉर मी ऑल्सो. लाला जी की वो आखिरी यादें मेरे कैमरे में कैद हो गई, और मुझे नहीं पता था कि वो लाला जी की आखिरी यादें होंगी. ऑब्वियसली वो सरप्राइज था, किसी को भी नहीं पता था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. और इस हादसे के बाद मेरे में वो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मेहरा फैमिली के सामने आके उस फुटेज को शेयर कर सकूँ. फुटेज? I mean, क्या आज भी वो फुटेज आपके पास है? मेरे पास वो फुटेज है. क्या आप मुझे दे सकते हैं? Surely, obviously. राघव बेटे, बेटे मैं तेरी भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन आज जो तूने नैना के साथ किया ना, जब उसने तेरे लिए सरप्राइज प्लान किया था, वो ठीक नहीं किया तूने. वो तो बस तुझे खुश करना चाहती थी, इतनी सी तमन्ना थी उसकी कि तेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाए. बस बेटे, ये जिंदगी जो है ना, बहुत छोटी है, इसे अपने कल में रहकर ऐसे गवा मत दे. हाँ, मानेगा ना मेरी बात? कैसे दादी, कैसे मानूं मैं आपकी बात? आप तो जानती हो ना, जो हुआ उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, और मैं ऐसे प्रिटेंड करके जी नहीं सकता कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. आपको पता है ना, ये जो दर्द है ना मेरे दिल में, उसके साथ मैं कभी कभी सांस भी नहीं ले पाता. मेरी एक गलती की वजह से मैंने दादाजी को हमेशा के लिए आपसे छीन लिया, कैसे भूल जाऊं? तो बस जिंदगी भर ऐसे ही जिएगा तू, ऐसे ही अपने आप को कोसता रहेगा? क्या लगता है तुझे, तेरी दादी कब तक रहेगी तेरे पास तुझे संभालने के लिए? मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा, ये सोच सोच के मेरी तबीयत और भी खराब हो जाती है. मेरी खातिर, अपनी दादी की खातिर वादा कर, तू इस सदमे से बाहर निकलेगा, अपने आप को कोसना बंद करेगा बेटे, वादा कर. दादी मुझे माफ कर दीजिए, पर आज पहली बार मैं आपका हुक्म नहीं मान पाऊंगा. जो कुछ भी हुआ है ना, उसका प्रायश्चित मुझे ही करना होगा. जब भी मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होने जा रहा होता है, तो किसी ना किसी कारण सब कुछ बिगड़ जाता है. अब जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी वजह से एक ऐसे इंसान की मौत हो गई जिन्होंने मुझे पुनर्जन्म दिया था. मैं उनका ये कर्ज तो कभी चुका नहीं पाया, और मैंने उनको आपसे हमेशा के लिए छीन लिया. इसका प्रायश्चित तो मुझे ही करना होगा दादी. ये नैना कर क्या रही है?
चलो। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रही हो तुम? अरे क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। तुम्हें अपने गिल से आजाद कर रही हूँ राघव, वो गिल जो इतने सालों से तुम्हें तुम्हें अंदर से खाए जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने अतीत के राक्षसों का सामना करो। तुम्हें यही लगता है ना कि तुम्हारे तुम्हारे दादाजी की मौत तुम्हारे वजह से हुई थी, पर राघव ऐसा बस जो भी बोल रही हो सोच समझ के बोलो और सोच समझ के किसी भी नतीजे पर पहुंचना। तुम जानती क्या हो मेरे बारे में या मेरे लाइफ के बारे में? प्लीज जस्ट लेट इट बी ओके। राघव मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ राघव, और मैं ये भी जानती हूँ कि जब तक तुम्हें पूरा सच नहीं पता चलेगा ना, तुम इसी तरह अंदर से गुड गुड के जियोगे। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। कौन सा सच? कुछ नहीं जानती तुम मेरे बारे में, मेरी लाइफ के बारे में, जो मेरे साथ हुआ है कुछ नहीं। सो जस्ट लेट इट बी। मुझे एक चांस दो राघव, प्लीज प्लीज एक चांस। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठो। हैप्पी बर्थडे, और ये है तुम्हारा पहला गिफ्ट। ये जो पूरे घर में सारा दिन रात भागते रहते हो ना, अब से इसे यूज करना। थैंक यू दादाजी। स्केटबोर्ड दादाजी, ये आज तक के मेरे बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। स्टॉप इट, नहीं देख सकता मैं ये सब। तुम्हें देखना होगा, तुम्हें देखना होगा राघव, प्लीज। ऑफ गॉड से मैं पूरा हक बनता है जानने का कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। प्लीज बैठो, ट्रस्ट मी। नहीं देखा वो, देखो तुम्हारा गिफ्ट नंबर टू। जब भी इस वीडियो को देखोगे ना, जिसमें पूरा परिवार तुम्हें बर्थडे की शुभकामनाएं दे रहा है, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत पसंद आएगा। इन यादों को अपने दिल में समेट के रखना और इस दिन को याद करके खुश होते रहना। Stop it! Stop torturing me! मैं नहीं जीना चाहता फिर से ये पल। बंद करो इसे। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इधर देखो। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी। मैं जानती हूँ ये देखकर तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी, पर ट्रस्ट मी, मैं जानती हूँ मैं क्यों चाहती हूँ कि तुम ये वीडियो देखो। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी राघव, बस एक बार देख लो वीडियो, प्लीज मेरे कहने पे। ओके अरे ये गिफ्ट इस कैमरे को दिखा, नहीं तो तेरी दादी मुझ पर चिल्लाएगी ये सोच के कि मैं तेरे लिए गिफ्ट लाना ही भूल गया। दादी ये देखिए, दादाजी मेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आए, स्केटबोर्ड। और आप प्लीज दादाजी को डांटना मत। और बेटा स्केटबोर्ड है, मैं चलाऊंगा। अरे मेरा गिफ्ट है, पहले मैं चलाऊंगा। मुझे चलाने आना, पहले मैं चलाऊंगा। मैं चलाऊंगा। अरे इन दोनों का तो ये चलता रहेगा। राजेश तू ना मेरी हीरो जैसी एंट्री वाली एक वीडियो बना दे। देख मैं सीढ़ी से नीचे उतरते हुए आऊंगा और तू वीडियो देना। इंदु जी को भी ऐसा लगना चाहिए कि मैं उनके फेवरेट शम्मी कपूर से कम नहीं हूँ। चल आ जा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।